न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। सरयू राय ने निष्कर्ष में कहा कि मेरी रुचि इसमें नहीं है कि केबल कंपनी चले कि नहीं चले, इसको टाटा चलाए, इसको बाटा चलाए, रुचि इसमें है कि जो इसके कर्मचारी है और उनका वर्षों से जो बकाया है वो उनको मिल जाना चाहिए। इसलिए जो बात आज की मैंने कंपनी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल के मजदूर है वर्कर है उनके हक की बात मैन की, और कोई कंपनी आ जाए बिट हुआ है जो भी आए सबसे पहले यहाँ के कर्मचारियों का जो हक है जो करीब करीब 300 करोड़ रुपया का जो बकाया है तो उसको पहले आप दीजिए, अगर इसको कोई नहीं दे सकता है तो 177 एकड़ जमीन है सरकार की, सरकार उसको बेच दे आवंटित कर दे, जो मजदूरों का बकाया है सबसे पहले वो दे दे, नहीं तो यहाँ के लोग एक कमेटी बनाएंगे और जिसका जिसका जितना बकाया है उस बकाए के हिसाब से किसकी कितनी जमीन होती है ये कमेटी बकाया पैसे के हिसाब से ये तय कर लेंगे और ये कहेंगे कि ये इतनी जमीन हमारी है। इसके बाद अगर कंपनी नहीं चली तो सरकार इसको बेचकर बकाया राशि दे दे, या फिर जिसका जितना बकाया है सरकार जमीन उसको उतना आवंटित कर दे। कल विधानसभा में इसी बात को मैं उठाऊंगा और उसको लेकर मैं इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा और प्रस्ताव को रखूंगा, और मांग बस यही है कि कर्मचारियों का बकाया कर दे या फिर सरकार उनको जमीन आवंटित कर दे जिनका जितना बकाया है उस हिसाब से। केबल कंपनी को फिर से चलाने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, सब लोगों ने अपना मैंने निष्कर्ष में ही कहा कि भाई मेरी रुचि इसमें नहीं है कि केबल कंपनी चले कि नहीं चले, इसको टाटा चलाए कि बाटा चलाए कौन चलाए, मेरी रुचि इसमें है कि जो इसके वर्कर हैं और उनका बरसों से जो बकाया है जो देनदारी है वह उनको मिल जाना चाहिए। इसलिए मैंने आज जो बात की कंपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए नहीं थी, जो लोग हैं वर्कर हैं मजदूर हैं उनके हक की बात करें, और मैंने प्रस्ताव रखा बाकी लोग सहमत हुए कि मैं कल सरकार से बात करूंगा कि भाई कोई कंपनी आ जाए बीट हुआ है तो कोई कंपनी बीट में भर दे, और जो भी आए सबसे पहले यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो हक है करीब करीब 300 करोड़ रुपया के आसपास का बकाया होता है तो उसको पहले आप दीजिए, अगर कोई नहीं दे सकता है तो 177 एकड़ जमीन है सरकार, सरकार उस जमीन में से बेच दे हो जाते, सबसे पहली शर्त है कि जो जिनका बकाया है उनका भुगतान होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के लोग एक कमेटी बनाएंगे जिसका जिसका जितना बकाया है उस बकाए के हिसाब से किसकी कितनी जमीन होती है ये जमीन लोग नक्शा बना के तय कर देंगे और ये कहेंगे जमीन हमारी है क्योंकि हमारा इतना बकाया है। इसलिए आज की बैठक में नहीं कहा कंपनी चले ना चले, दिवालिया हो कोई भी हो, या तो जो नया कंपनी चलाना चाहता है वह ये जो कर्मी है उनका बकाया दे दे तो दिवालिया हो जाती है, तो कुछ तो है कि नहीं कि बेच के भुगतान करेगा, कुछ नहीं है इसका मतलब कि इनको नहीं मिलेगा पैसा, तो सरकार जमीन को भेज दे इनको दे दे बकाया, या उतना जमीन इनके हक में कर दे कि भाई ये जमीन आपकी इतना बकाया था 1 करोड़ था 50 लाख था 25 लाख था उसके हिसाब से इतनी जमीन आपकी हो। यही बात है, मैं इसी प्रस्ताव पर बात करूंगा और मुझे खुशी है कि सभी लोग इस पर सहमत हुए और कल मैं जरूर बात करूंगा इंडस्ट्री सेक्रेटरी से या चीफ सेक्रेटरी से इस बात का प्रस्ताव नहीं रहूँगा। संभावना क्या लग रही सर कंपनी को लेकर, संभावना क्या है? क्या बताएं यार, तो नया मामला तय हुआ, पहले तो हम लोग फैक्ट्री चलवाने के लिए बात करते थे, अब जो फैक्ट्री में काम करते रहे बरसों से उनका जो बकाया है हम उसे भुगतान की बात करते हैं, फैक्ट्री चले ना चले दिवालिया हो जाए कुछ भी हो जाए ये जमीन जो 177 एकड़ है वो फैक्ट्री वालों की नहीं है, ये जमीन सरकार की है और सरकार ये जमीन में से हिस्सा दे दे जिसका जितना बकाया होता है।